हेलो फ्रेंड, घरेलू ज्ञान में आपका स्वागत है। चाहे आपको ऐसा घर में मंजन बताएंगे जो बहुत दर्द अचानक दांत में उठी और तकलीफ होती है, दांतों में बहुत सारी परेशानी, कीड़ा लग जाता है और पीलापन होता है, पायरिया होता है, तमाम तरह की बीमारियां दांतों वाली होती है। और कभी कभी जब दर्द कीड़ा लग जाए, दर्द होती है, असहनी दर्द होती है, और आपको घर में ही अपना इलाज डॉक्टर पास गया जब तक आप इलाज करिए, किसी वक्त डॉक्टर नहीं बैठे हैं तो आप कैसे अपना इलाज करेंगे। तो हम आपको घरेलू मंजन बताएंगे, कापूरी मंजन। इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें ये देखिए सामान है, ये थोड़ी सी सरसों ले ली, कुछ लौंगी, सेंधा नमक, कपूर और ये फिटकरी ले ली, फिटकरी थोड़ी, ये सब इसमें पीसेंगे। बारीक बारीक आमी दस्ते में पीस सकते हैं और इस तरह से, इसमें गहराम का मैं आपके पास लंबा हो तो इसमें बहुत अच्छे से पीसेगा, नहीं तो सिल पे पीस लीजिए, बहुत अच्छा मंजन, महीन बारीक बिल्कुल। ये देखिए पीस पीस के इतना बारीक हो गया है। इसको आपको उंगली से मसाज करिए, या उंगली से मसाज करें, या ब्रश से करें, कैसे भी करें, रात में सोते वक्त कर लें। डेली आप अगर इसको करेंगे तो आपकी दांतों की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, मुंह से बदबू आना, कीड़ा, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और साथ में हम आपको एक और चीज बता रहे हैं, ये थोड़ी सी कुछ लौंगे हैं, 3-4 लौंगे, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हो, बहुत दर्द हो रही हो, बर्दाश्त ना हो रही हो, तो आप मतलब इसको फौरन शुरू कर सकते हैं। इसको आप पीसेंगे, ले लेंगे 2-3 लौंग और जरा से कपूर, इसको आप पीस के जहाँ पे कीड़ा लगा होगा वहाँ पे आप रख लीजिए, फौरन जो है आपको राहत मिल जाएगी। उसके बाद गुनगुने पानी से, नमक के पानी से उल्टी कर लीजिए, बहुत आराम मिलेगा, आपकी दर्द छू मंतर। कुछ ये लौंग ली और ये कपूर, थोड़ा सा बस चाहिए, 2 लौंग ले ली, जरा से कपूर दांत में उस वक्त लगाने भर के काफी है। दादा थोड़ी सी फिटकरी, जरा सी कपूर और जरा सी लौंग, 3 चीजें मिलाई है। उसके बाद आप ये जरा से कितना सा बस के लेकर के चुटकी भर, आप जहाँ पे आपके कीड़ा लगा है बस वहां पर रख लीजिए, आपको फौरन आराम मिल जाएगी। उसके बाद आपके तकलीफ जब थोड़ी कम हो जाए तो 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी में नमक डालिए गुनगुने पानी में, उसके बाद आप उसे कुल्ला कीजिए, आप दर्द सब। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपको मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। Thank you.